शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। ये तो सचमुच का है, किसका है ये करण? मेरे पापा का है, हम लोग इसी में तो बैठ के आए हैं। अच्छा, हाँ चल तुझे इसकी सैर कराता हूँ। तुझे चलाना आता है? अरे खेलते हैं यार। तूने मेरे मामा को क्यों मारा? उसने मेरे दोस्त को क्यों मारा? The Asian Economic Forum Award for Business Excellence goes to Mr. Karan Thapar. Congratulations. Thank you. I wish you all the best. Keep it up. Thank you. बचपन में मैंने एक कहानी सुनी थी कि भगवान ने हर खुश नसीब के लिए एक ऐसा इंसान बनाया है जिसका हाथ थाम कर जिंदगी को सही दिशा मिलती है। दोस्त वो रिश्ता जिसे तोहफा नहीं जाता, जिसे आप खुद चुनते हैं। आज मैं इस मुकाम पे खड़ा हूं अपने दोस्त की वजह से। ये ट्रॉफी, ये कामयाबी तुम्हारे नाम, राज हमारी दोस्ती के नाम। रितु चोपड़ा का फिर से डिवोर्स हो गया। इट्स अ थर्ड डिवोर्स। उसका फोर्थ डिवोर्स है। She really knows how to hook these rich old men and then she gets divorced and gets these fat alimony. Mama. She's such a number. Smart woman. Mama. करण, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? Go on play. माँ के पास पार्टीज और गॉसिप से फुर्सत ही कहाँ थी, उनके पास मेरे लिए वक्त ही नहीं था। Mr. Mehra, business today is totally out of power. और पापा, वो अपने बिजनेस और सोशलाइजिंग में ही उलझे रहे। पापा मैं बोर हो रहा हूँ। तो फिर बाहर जाकर खेलो ना। किसके साथ? करण, अकेले खेलना सीखो। जो इंसान किसी पर डिपेंड करता है ना, उसका जिंदगी में कभी कुछ नहीं होता। Come on, come on, go and play. Come on. Hi, Nandini. Let's play football. I don't wanna play with you. Please, sister. Let's play football. I said no, na. Okay. Let's play with him. Mommy, Karan's troubling me. Take Baba. Oh God, Karan. What are you doing? अगर तुम्हारी इसके साथ बनती नहीं तो तुम यहाँ क्यों आते हो इसके पास? हाँ, मेरे पास कोई नहीं है खेलने के लिए, ना आपके पास टाइम है ना पापा के पास। आप भी बताओ मैं क्या करूँ? पहले तुम चिल्लाना बंद करो, समझे? It's just becoming impossible to deal with. Just take care of her. Yes, ma'am. बाहर जाकर खेलो, समझे? Nandini. And don't trouble anyone. Are you okay? It's okay. Play with your
तुम ये खाई के पास कैसे पहुंचे? मत पूछ यार। शहर के लगते हो? हाँ, हम वीकेंड मनाने फार्म पे आए हैं। ये फार्म हाउस तो थापर साहब का है ना? वो मेरे पापा है। मेरे मामा आपके आपके पापा के फार्म पर काम करते हैं। अरे यार, तू तो तुमसे आप पे आ गया। हाँ, एनीवेज थैंक्स। अगर तू सही टाइम पे नहीं आता तो मैं तो गया था यार। मेरी माँ कहती थी कि जो मुसीबत में हो उसकी हमेशा मदद करनी चाहिए। कहती थी? हाँ, अब वो मेरे बाबा के पास चली गई है, ऊपर भगवान के पास। आई एम सॉरी, यानी कि तुम अकेले रहते हो? हाँ नहीं, मैं अपने मामा के साथ रहता हूँ। अरे मैं तो तुम्हारा नाम पूछना ही भूल गया। राज। करण, मेरे दोस्त बनोगे? हाँ बनूंगा। अरे आपको तो चोट लगी है, चलो मेरे साथ। नहीं, एक शर्त पर, दोस्त की तरह तुम बोलो। चलो मैं तुम्हें दवाई लगा देता हूँ। जलन हो रही है ना, मेरा हाथ पकड़ो और अपनी आंखें बंद कर लो। अरे हो गया। हाँ? देखा, दर्द कम हुआ ना? हाँ। दोस्त का हाथ पकड़ने से दर्द कम होता है और गले लगने से तो दर्द होता ही नहीं है। थैंक्स मैन। मामा, इतनी रात को तुम यहाँ क्या कर रहे हो? करण, जाओ अपने कमरे में जाकर सो जाओ। गो ऑन। जब भी मैंने माँ के पास जाने की कोशिश की, उन्होंने मुझे अपने से दूर कर दिया। माँ और पापा सोचते थे मैं बहुत जिद्दी हो गया हूँ। प्लीज, किसी भी चीज को तुम्हें प्यार से समझाते हैं तो तुम्हें समझ में ही नहीं आती। जब देखो आर्ग्यू कर रहे हो। अब मैंने कहा चुपचाप जाओ, जाकर अपने कमरे में सो जाओ। कौन है वहाँ? कौन है? अरे राज, तू आजा आजा। तुझे मैं लेके दिल करा था दोस्त। अरे दरवाजे से आना था ना यार। वो मोटा वॉचमैन मुझे अंदर थोड़ी ना आने देता था। अच्छा हुआ तू आ गया। चल चल आजा अंदर आजा। अरे बाप रे, कितना बड़ा कमरा है तेरा। मेरा तो घर भी तेरी कमरे से छोटा है। हाँ, कितना मुलायम है ये। खूब नींद आती होगी ना तुझे इसमें? नहीं यार, नींद आती तो अब तक सो चुका होता मैं। मैं तो दिन में काम करके इतना थक जाता हूँ कि बाहर बरामदे पे लेटते ही नींद आ जाती है। क्या, तू बाहर बरामदे में सोता है? तू अंदर क्यों नहीं सोता? अंदर तो मामा सोता है, मुझे तो बाहर बरामदे में सोना पड़ता है, टूटी हुई छत के नीचे। अरे तेरी शर्ट फटी हुई है। अरे वाह, तेरी शर्ट तो बहुत अच्छी है। देख राज, जो मेरा है वो तेरा है, समझा? चल खेलते। बाप रे, ये तो सचमुच का है। किसका है ये करण? मेरे पापा का है, हम लोग इसी में तो बैठ के आए हैं। अच्छा? हाँ चल, तुझे इसकी सैर कराता हूँ। तुझे चलाना आता है? अरे खेलते हैं यार। कौन? तूने
क्यों मारा? उसने मेरे दोस्त को क्यों मारा? बाबा, बड़े साहब आपका सुबह से इंतजार कर रहे हैं। शहर जाने की पूरी तैयारी हो चुकी है, चलिए। हाँ हाँ, करण राज आ का आना साहब। करण बाबा, करण तुम सुबह से कहाँ आए थे? तुम्हें इतनी भी सेंस नहीं कि हम लोग परेशान हो रहे होंगे? और ये कौन है तुम्हारे साथ? डैड, ये मेरा दोस्त है राज। क्या, ये तुम्हारा दोस्त है? हाँ डैड, और ये हमारे साथ जाएगा। व्हाट करण, आर यू आउट ऑफ योर माइंड? प्लीज डैड, मुझे राज का साथ बहुत अच्छा लगता है। देखा, मैंने तुमसे कहा था ना कि दिन ब दिन जिद्दी होता जा रहा है। अब आज ये एक नई जिद इसने हमारे सामने रख दी है। करण, तुम इसे लेकर कैसे जाओगे? हाँ, इसके साथ दोस्ती बस यहीं तक ठीक थी। अरे तुम वापस जाओगे, स्कूल जाओगे और एक दिन विदेश जाओगे फॉर योर फर्दर स्टडीज। इसको कहाँ कहाँ लेकर घूमते रहोगे? नहीं मॉम, मैं जहाँ भी जाऊंगा राज मेरे साथ जाएगा। वो मेरे साथ स्कूल भी जाएगा मॉम। करण, ये हमारे साथ कहीं नहीं जाएगा, एंड दैट इज फाइनल। वो जाएगा, अगर नहीं जाएगा तो मैं भी वापस नहीं जाऊंगा। मैं यही उसके साथ रहूंगा, एंड दैट इज फाइनल। इसका ना कुछ भी नहीं हो सकता। आज के बाद मैं इसे कुछ भी नहीं बोलूंगा। ओके, जस्ट रिलैक्स करण। करण, तुम इसे अपने साथ ले जाना चाहते हो, लेकिन इससे पूछा है ये तुम्हारे साथ आना चाहता है? हाँ, कम ऑन। चल मेरे दोस्त। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। हर रोज चाबी घुमा रही है, मैं क्या करूं? अरे यार, तेरे बस में ये चेक कर। सही नहीं सर, बात कंप्लीट कैसे करवाए तुम? अच्छा लगा, बहुत प्यारे। सुबह हो गई, अब तक सो रही थी ना? कल रात को कंप्लीट कर लिया। और सो लीनो, लीनो, गर्ल्स हॉस्टल में लड़का, गर्ल्स हॉस्टल में लड़का। ये लड़का यहाँ क्या कर रहा है गर्ल्स हॉस्टल में? ओ शट अप, शट अप। बस यूं ही चिल्लाई जा रही हो? गर्ल्स हॉस्टल में लड़का आ गया, गर्ल्स हॉस्टल में लड़का आ गया। अरे गर्ल्स हॉस्टल में लड़का नहीं आएगा तो और कौन आएगा? हाँ, सुबह सुबह नींद खराब करती ना। ओए, यू हैव नो मैनर्स। शट अप। बिना इजाजत के किसी कमरे में घुस जाती हो तुम। तुम्हारी कोई इज्जत नहीं, कम से कम हमारी इज्जत का तो ख्याल रखा होता। कौन हो तुम? मैं इस गर्ल्स हॉस्टल की मैट्रन हूँ, घर में का। ओह, नाइस टू मीट यू, दिस इज लीना और मैं हूँ करण थापर। आई विल सी यू, बाय बाय। करण थापर? ओए करण थापर। यस कामिया, तुम गर्ल्स हॉस्टल में इस वक्त क्या कर रहे हो? मैं अभी पुलिस को बुलाती हूँ। नहीं, मैं तो मजाक कर रहा था, आप तो ऐसी सीरियस हो गई। हाँ, मजाक? लीना, ये लड़का इस वक्त तुम्हारे कमरे में क्या कर रहा है? मैम, ये मेरा फ्रेंड है, मुझे मैथ्स पढ़ाने आया था। कपड़े उतार के मैथ्स पढ़ाते हैं? कपड़े उतार के मैथ्स पढ़ाते? यू आर राइट। वो कह रहा कि मैं ना मैट्रिन मैच पढ़ाते बायोलॉजी पढ़ाने लग गया था, यू नो, फंक्शंस ऑफ द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। आगे की फंक्शंस मैं तुम्हें अच्छी तरह पढ़ाती हूं। हेलो, चिल्लाओ मत विधवा औरत, इंस्पेक्टर राज मल्होत्रा हियर। मैंने तो पुलिस को फोन ही नहीं किया, पुलिस हाजिर हो गई। हम पुलिस वालों को बेवकूफ या कमजोर मत समझा करो। मेरे पास यहाँ का सर्च वारंट है। सर्च वारंट?
हमें खुफिया खबर मिली है कि तुम यहाँ इल्लीगल इलिसिट और इमोरल एक्टिविटीज करती हो। मतलब ओ, मतलब मतलब कैसी मासूम बन रही हो गुंडी, बाहर से लड़कों को बुलाकर इन भोली भाली लड़कियों से उल्टे सीधे काम करवाती हो, शर्म नहीं आती? अरे तुम्हारी बच्ची जैसी है, यहाँ देखो देखो देखो, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता। यहाँ पर क्या होता है मुझे अच्छी तरह मालूम है, हमारे सूत्रों के हिसाब से यहाँ पर एक लड़का मौजूद है। क्यों, क्या हुआ, डर गई? इंस्पेक्टर साहब आपको गलतफहमी हो रही है, यहाँ लड़की तो ठीक है, गलतफहमी हो गई तो तलाशी दे दो। बैंकिंग, बैंकिंग। आप एक काम करिए ना, आप मेरे साथ मेरे कमरे में चली है, मैं वहाँ आपसे बात करना चाहूंगी। अच्छा, तो तुम भी, खाला भी यही काम करती है, तुम्हारी इतनी जरूरत की ऑन ड्यूटी ऑफिसर को छेड़ती हो तुम, है उसे हाथ लगाती हो? हाथ हटाओ, हाथ हटाओ। देखिए मैडम, मेरा इतना बुरा वक्त नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ कमरे में जाऊं। एक काम कीजिए, वो वाले रूम की तलाशी दीजिए मुझे। वो रूम? हाँ, मुझे शक, क्यों डर गई? वहाँ वो रूम की तलाशी दीजिए मुझे। चलिए इंस्पेक्टर, वो रूम में चलिए। तो चलिए, चलो। हाँ चलो चलो। ओहो, तो छुआरे लूटे जा रहे हैं, है? क्या कर रहा है गर्ल्स हॉस्टल में? कुछ नहीं इंस्पेक्टर साहब, बस भजन कर रहे थे। शाबाश, अब पुलिस स्टेशन चल के कीर्तन करते चल बे। एक्सक्यूज मी इंस्पेक्टर साहब, तो मैं बाद में निपटूंगा। गुंडी औरत विधवाओं के कपड़े पहनती है और रंगीन जिंदगी बिताती है, अभी भी लचक बाकी है बेहया में। क्या टाइमिंग है यार, मुझे तो लगा था मैं गया, और तूने क्या सफाई से निकाला यार। थैंक्स मैन। एक बात बता, जब तू लड़कियों से मिलने जाता है तो इनको तू गार्डन या पार्क या जू वो क्यों नहीं घुमाने ले जाता? अरे क्या करूं यार, वो कहने लगी कि यहीं अभी इसी वक्त, तो मैं क्या करता? तू तो दानवीर है, मना तो किसी को कर नहीं सकता, है ना? याद रखना, ये लेन देन के चक्कर में एक दिन तू जरूर फंसेगा। मुझे कुछ नहीं हो सकता। तू तो करण है महाभारत का, कवच पहन के धरती पे जो उतरा है। मेरा कवच तो तू है मेरे दोस्त, जब तक तू मेरे साथ है मुझे कुछ नहीं हो सकता।